हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाखड़। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे। तो स्टार्ट करते हैं हम, देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. Prove that CD bisect AB. तो देखिए हमारे पास डायग्राम है, ओके ये हमारे पास डायग्राम है। अब इसमें क्या कहा गया है, जो एंगल ए ओ बी है इक्वल टू एंगल सी ओ डी के हो जाएगा। देखिए ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, और जो हमारे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दोनों क्या है, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के। ओके अब देखिए आपको ये क्या करना है, इक्वल करना है ए डी इक्वल टू बी सी, और प्रूव दैट बाइसेक्ट सी डी, बाइसेक्ट करते हैं ए बी को, सी डी सी डी बाइसेक्ट करें ए बी को, यस बी ए बी बाइसेक्ट कर रहा है सी डी को, तो क्या हो जाएगा, यस सी डी बाइसेक्ट ए बी। ओके ये हो जाएगा, और हमारे इसमें क्या होगा, जो एंगल ए ओ है सॉरी ए बी है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी डी के, ये भी हो जाएगा इसमें। ओके क्योंकि और देखिए जो एंगल एंगल हमारा ओ ए ओ बी है वो वर्टिकली अपोजिट भी है एंगल सी ओ डी के, जो एंगल ए ओ बी है वो वर्टिकली अपोजिट है एंगल सी ओ डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके तो हमें सिर्फ इसमें ये प्रूव करना था कि बाइसेक्ट है, यस ये बाइसेक्ट है इसका, और ये क्या है वर्टिकली अपोजिट भी है, और ये क्या हो सकता है एंगल ओ बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी ओ डी, ये क्या हो सकता है कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, ये दोनों बोथ 90 डिग्री के हैं, बाइसेक्ट भी हो सकता है और वर्टिकल अपोजिट भी है और कॉन्ग्रुएंट भी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 का। थैंक्स।